लास्ट टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सलमान खान वर्सेस ब्लैकबक 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिसेंटली सलमान खान को ब्लैकबक को मारने के लेके 5 साल की सज़ा हुई और अभी तो उनको रिहाई भी मिल गई है, तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू बन गया है। तो इसके ऊपर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का तो जमाना अभी चला गया, पर उसके बैकग्राउंड को लेकर स्टडी करेंगे तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ब्लैकबक होता क्या है, और कौन सी स्पेसीज है, या वो कौन से स्टेट में रहता है, कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरी में रहता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसके जो एक्ट है उसके अंडर सलमान खान को सज़ा मिली है, तो कौन से एक्ट है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में मैंने ये सारे सवालों के क्वेश्चन कवर किए हैं। होपफुली आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो हमें मिला है वो है आइडेंटिफाई द ब्लैकबक। ये जो 4 पिक्चर दी है उनमें से आपको ब्लैकबक को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बता दूं कि आंसर अपना ये वाला है। इसमें देखिए ब्लैकबक है वो ब्लैक कलर का है, और उसके जो सिंग है यानी हॉर्न है वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े है, और उसमें से बाकी जो पिक्चर्स है उनमें से जो पहले वाला पिक्चर है उसमें उसके जो हॉर्न है एकदम स्ट्रेट है, और दूसरे में है ये कुछ अलग ही टाइप का है, और जो लास्ट में जो पिक्चर है उसमें ऐसा कर्वेचर है। तो ये सारे एक ही फैमिली के स्पेसीज है, उनमें से बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो मैंने हालांकि आपको क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि ब्लैकबक ये ब्लैक कलर का है, और जो इसका जो फीमेल होता है ब्लैकबक का उसको सिंग नहीं होते हैं, ऊपर वाले ए सिंग्स नहीं होते हैं, ओनली वो खाली ऐसा ही जानवर रहता है। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा सवाल मिला है हमें। ब्लैकबक हंटिंग एंड पोचिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया एज पर विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन 1 है हमारे पास शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ऑप्शन 2 है शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड चौथा है जो शेड्यूल 4th ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो सारे ऑप्शन में 1972 ये कॉमन है, ओनली आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच शेड्यूल में आता है। तो चलो मैं आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर 1 है। तो जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, तो उसके अंडर ब्लैकबक का जो हंटिंग एंड पोचिंग है, हंटिंग मतलब उसका शिकार करना, पोचिंग मतलब उसका स्किन या सिंग का कई बेचने के लिए या सेल करने के लिए, तो या उसका स्किन का कई और कमर्शियल यूज के लिए उसका उसको मार देते हैं, उसको बोलते हैं पोचिंग। तो ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। आप पूछेंगे कि शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, तो अलग और भी जैसे स्पेसीज है, जैसे कि गेंडा है, और भी जो ऐसे प्राणी है कि जो उनको खतरा है या उनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है दिनों दिन, तो उनको अलग अलग शेड्यूल में उनको बांटा गया है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको शेड्यूल में बांटा गया। तो शेड्यूल 1 में आता है ब्लैकबक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, हु आर द अदर एक्यूज इन सलमान खान ब्लैकबक केस। हालांकि सलमान खान का जो मूवी का शूटिंग चल रहा था 1998 में, उस टाइम में बाकी भी जो कास्ट थे सिनेमा की वो भी उसके साथ शिकार करने के लिए गए थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो वो उनके साथ कौन कौन, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, तो उनके नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास कैटरीना सलमान सैफ अली खान तब्बू नीलम। ऑप्शन 2 है सोनाली बेंद्रे सैफ अली खान करिश्मा नीलम। ऑप्शन 3 है सोनाली बेंद्रे सैफ अली खान तब्बू एंड शाहिद। चौथा ऑप्शन है सैफ अली खान तब्बू नीलम एंड सोनाली बेंद्रे। तो इसमें से मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन जो डी है, सैफ अली खान तब्बू और नीलम और सोनाली बेंद्रे। तो ये जो बाकी है लोग, ये एक्टर्स है एक्ट्रेस है वो भी उनके साथ थे, तो उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है मिला। आप चौथा सवाल है सिलेक्ट द स्टेट विच डू नॉट हैव ब्लैकबक एज अ स्टेट एनिमल।
इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, हर स्टेट का एक एक एनिमल होता है स्टेट एनिमल, तो ब्लैक बक कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल नहीं, ऐसा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल ऑप्शंस ए है हमारे पास राजस्थान, बी है पंजाब, चौथा है हरियाणा और तीसरा है हरियाणा और चौथा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे डाउट आ सकता है दोस्तों आप लोगों को कि राजस्थान में तो है ही, ऐसा बोलेंगे आप लोग, क्योंकि राजस्थान में मूवी का शूट चल रहा था और राजस्थान में ही मार दिया, पर राजस्थान का ये स्टेट एनिमल नहीं है दोस्तों। तो उस राज्य में पाया गया है ब्लैकबक, पर उसी का स्टेट एनिमल नहीं है। तो बाकी सारे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनमें इस राज्यों का ये स्टेट एनिमल उन्होंने घोषित कर दिया है। तो राजस्थान इसका आंसर है ऑप्शन एक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं पांचवा, विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सलमान खान सिंस 1998। तो 1998 में यह मूवी का शूटिंग चल रहा था, उसी टाइम उसने दो ब्लैक बक को मारा, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो उनके खिलाफ जो केस या मुकदमा चला रहा है वो कौन से कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसा सवाल है। उसका जो सवाल है उसके ऑप्शंस एक है जाट कम्युनिटी, देन गुर्जर, बिश्नोई और कन्नी सेना। तो यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, उसमें है बिश्नोई कम्युनिटी। वो ब्लैकबक से या जंगली जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनको पालते हैं, उनका नर्चर करते हैं। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी ने उनके खिलाफ ये किया, मुकदमा चला है। हालांकि इसमें जो बाकी चार लोग हैं सैफ अली खान, तब्बू और वो बाकी लोग, उनको भी रिहाई कर दिया है। तो उनके खिलाफ भी दोबारा मुकदमा चलाने की बात चल रही है कि ये कम्युनिटी उनके खिलाफ भी स्टेप उठाएंगे। और यहाँ पे बाकी कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ कि जो जाट कम्युनिटी है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था रिसेंटली, वो भी तो न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जाट कम्युनिटी ने अपने आरक्षण के लिए किया था, गुर्जर भी कम्युनिटी वही पॉलिटिकल रीज़न के वजह से न्यूज़ में थी, और कन्नी सेला आपको पता ही होगा रिसेंटली जो पद्मावत मूवी आया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वो भी राजस्थान की ही कम्युनिटी है या जात है, कन्नी सेना या बोल सकते हैं कि समुदाय है। तो इसका आंसर है बिश्नोई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, सिक्स सवाल मिला है हमें, कनकनी विलेज वेयर सलमान खान किल टू ब्लैक बग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये कौन से नदी पर है कनकनी विलेज, वहाँ पे सलमान खान ने दो ब्लैक बग को मार गिराया था। तो हमें ऑप्शन वन मिला है माही, ऑप्शन टू है चंबल, देन लूनी और चौथा है बनस। तो यहाँ पे देखिए ये चारों जो नदियाँ है राजस्थान की नदियाँ है, आपको इससे ज़्यादा आपको इसको सवाल को अच्छे से बेहतर तरीके से सॉल्व करना है तो आप मैप पे जाइए, ये सारे रिवर्स को लोकेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कौन से स्टेट से जाती है, उनका जो उगम स्थान है या कहाँ पे जाके मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन है, उसका आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपका ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान की कौन सी नदियाँ है। यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ आपको दोस्तों कि यहाँ पे जो लूनी नदी है उसके ऊपर ये कनकनी विलेज है, उस कनकनी विलेज में ये जो दो ब्लैक बक है उनको मारा था, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सातवां सवाल हमें मिला है, इन विच ईयर हिट एंड रन केस हैपन इन विच वन पर्सन हैज किल्ड एंड फोर वेर इंजर बाय सलमान खान। सलमान खान के ऊपर और भी एक केस चल रहा है, हालांकि उनको जेल भी जाना पड़ा था इस हिट एंड रन, मतलब उन्होंने कार से किसी को कार के आगे कोई आदमी आ गया था, उसमें एक आदमी मर भी गया था और काफ़ी चार लोग इंजर हो गए थे। तो ये केस कौन से साल का है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन वन है 2001, 2002, 2003 या 2004। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि ये 2002 का केस है, उनमें हीट एंड रन का केस हुआ था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क हैज़ बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मस्कट ऑफ फॉलोइंग विच एनिमल टू स्प्रेड अवेयरनेस टू सेव इट फ्रॉम पॉसिबल एक्सटेंशन। हिंदी में मैं बता देता हूँ कि कान्हा नेशनल पार्क है, ये जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। तो इन्होंने ऑफिशियली एक मस्कट, मतलब एक ऐसा चिन्ह या बोल सकते हैं हम बिग पार्डन ओके बोल सकते हैं कि एक एक सिंबल उन्होंने जारी किया था ऑफिशियली
कि एनिमल को जो उनको सेव करने के लिए या उनकी जो संख्या कम हो रही है तो उनको रोकने के लिए या जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने ऑफिशियली एक मस्कट जारी किया था, तो वो कौन से एनिमल का मस्कट जारी किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन वन है ब्लैकबक, दूसरा है बारशिंगा, देन सैंड गेजल, देन रेनडियर। तो यहाँ पे जो मैं आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे ब्लैकबक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो बारशिंगा है वो एनिमल है, उसका मस्कट उन्होंने जारी किया था। बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको आज डिस्कशन में लिया। बारशिंगा ये भी एक हिरन का ही प्रकार है, उसका जो सिंग होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके 12 सिंग होते हैं उसको, तो इसीलिए बारशिंगा बोलते हैं। और एक होता है चौसिंगा, उसमें क्या होते हैं 4 सिंग होते हैं उसको, और ब्लैकबक को हालांकि 2 ही सिंग होते हैं और पर उसका जो कर्वेचर है वो कुछ हटके होता है, अलग होता है। उसके बाद बाकी जो एनिमल्स है यहाँ पे सैंड गेजेल एंड रेनडियर, वो भी उसी स्पेसीज के मतलब एक ही फैमिली के स्पेसीज है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, नवा सवाल है, सिलेक्ट द हैबिटेट इन इंडिया वेयर ब्लैकबक नॉट फाउंड। ऑप्शन वन है रानी बेनूर ब्लैकबक सेंचुरी कर्नाटका, ऑप्शन टू पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात, और चौथा है मानस नेशनल पार्क असम। देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट के हमें ऑप्शंस मिले हैं, ऑप्शन वन है जो कर्नाटका का है रानी बेनूर ब्लैकबक सेंचुरी, तो उसी के नाम में ही ब्लैकबक सेंचुरी है, तो यहाँ पे ब्लैकबक पाया जाएगा, तो ऑप्शन वन तो हो ही नहीं सकता है, मतलब वहाँ पे तो ब्लैकबक है ही, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि किस में नहीं है, तो ऑप्शन वन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। पॉइंट किलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु का है, यहाँ पे भी ब्लैकबक पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात, तो गुजरात में भी ब्लैकबक पाए जाते हैं। हाँ तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि जो मानस नेशनल पार्क है इसका आंसर है ये है असम में, और जो बाकी सारे ऑप्शन है उसमें ब्लैकबक पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान। राजस्थान में से निम्नलिखित में से कौन सा सेंचुरी या नेशनल पार्क नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं इसमें से आंसर आपको बता देता हूँ कि इनमें से ये वाला चौथा ऑप्शन है ये राजस्थान में नहीं है। भरतपुर आपको पता होगा कि सिटी का नाम है, सरिस्का का भी राजस्थान की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर भी वेरी फेमस है, भाई गोविंद है कई और स्टेट का है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दी या जो 10 सवाल मैंने निकाली ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने से मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।